हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू के फुले फुले भटूरे। ये नॉर्मल भटूरे से एकदम अलग होता है, बहुत ही बढ़िया लगता है खाने में। तो आइए चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं आलू के फुले फुले भटूरे। आलू के इंस्टेंट फुले फुले भटूरे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 3 मीडियम साइज के आलू को बॉईल करके ग्रेट करके लिया है। ध्यान रखें, यहाँ पे आपको आलू को बारीक एकदम ग्रेट करना है। आप इसे चूरे नहीं ग्रेट कर ले, अगर इसमें चंक्स रह जाएंगे तो आपके भटूरे बेलते समय फटेंगे और फिर वो फूलेंगे नहीं। तो मैंने यहाँ पे 3 मीडियम साइज का आलू लिया है। इसमें डाल देंगे 2 कप मैदा। इसमें बीच में इस तरीके से होल बनाएंगे और इसमें डाल देंगे ये 2 चम्मच मेरे पास दही है। नमक डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। 1 चम्मच डालेंगे तेल और मैं इसमें डाल रही हूँ, ये है मेरे पास पिसी हुई शक्कर 1/2 चम्मच है। इसे डालने से बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है भटूरे में। और मेरे पास ये है 1/2 चम्मच बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा नहीं है, ये बेकिंग पाउडर है। इन सभी चीज़ों को मिला करके अच्छी तरह से इसका एक सख्त डोट बना करके तैयार करेंगे। ध्यान रखिए कि पानी बिल्कुल भी नहीं डालें, ज़रूरत के अनुसार से लास्ट में पानी मिलाएंगे। इसका हमें थोड़ा सख्त डो लगाना है तो अभी मैं बिल्कुल भी पानी नहीं डाल रही हूँ। तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूँ, पहले 2 चम्मच डालेंगे। अब हमें इसमें पानी डालने की जरूरत नहीं है, बस 2 चम्मच पानी में ही ये आटा गूंथ के तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए, भटूरे के लिए हमने डो लगा के तैयार कर लिया है और ये कुछ इस तरीके का सख्त डो है। रोटी से सख्त होना चाहिए और पूरी के आटे से थोड़ा नरम। तो अभी इसके ऊपर थोड़ा सा तेल लगा करके इसे 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो ये भटूरे के डो को 15 से 20 मिनट हो गए हैं रेस्ट करते हुए। एक बार फिर से इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अभी जितना छोटा ये बड़ा भटूरा बनाना है उसे एक का बॉल बना लें। थोड़ा सा घी या तेल लगा देंगे। बेलन पे भी तेल लगा लिया है मैंने और इसे बेलकर रेडी कर लेंगे। तो ये देखिए, हमने एक भटूरा बेल लिया है। सिमिलरली बाकी के भटूरे बेलेंगे और फिर इसे फ्राई करेंगे। चलिए अब भटूरों को फ्राई करते हैं। भटूरे फ्राई करने के लिए मैंने एक कढ़ाई में तेल गरम किया है। जैसे ही तेल गरम हो जाएगा इसमें डाल देंगे भटूरे। और इसके ऊपर तेल उछलाते जाएंगे। इस तरीके से करने से हमारे भटूरे एकदम गुब्बारे की तरह फूल के तैयार होंगे। दोनों तरफ से भटूरे को अच्छी तरह सेक लेंगे। जब आप बाजार में बाहर भटूरे खाते हैं तो बहुत ही बड़े बड़े साइज के होते हैं, लेकिन घर में आप अपने पसंद से छोटे बड़े बना सकते हैं। तो ये हमारा एक भटूरा बनके तैयार हो गया है। सिमिलरली बाकी के भटूरे भी बना लेंगे। तो ये देखिए, हमारा मजेदार दूसरा भटूरा भी बनके तैयार है। तो ये देखिए, मैंने आलू के फुले फुले भटूरे बना के तैयार कर लिया है और आज मैं इसे सर्व कर रही हूँ छोले के साथ। आप इसे छोले के साथ इंजॉय करें। ये नॉर्मल भटूरे से एकदम अलग बनता है, बहुत ही टेस्टी बनके तैयार होता है आलू के फुले फुले भटूरे। तो फ्रेंड्स, मेरे बताए तरीके से एक बार ये आलू के फुले फुले भटूरे जरूर बनाएं, आप सभी को जरूर पसंद आएगा। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, मेरे आगे आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो।